अच्छा, कोई भी फेस पैक लगाने से पहले लाजमी है कि आप अपने फेस की बहुत अच्छे से क्लिनजिंग करें, बहुत ही मतलब जो आपको सूट करता हो। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं यू एंड यूट्यूब फैमिली? तो वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। आज मेरे घर में थोड़ी शांति है, आज मेरे दोनों बच्चे गए हुए हैं अपने अयान और अलीशा अपने बाबा के साथ, तो मैं घर में फ्री हूँ। तो मैंने कहा सोचा कि मैं ज़रा आप लोगों से कुछ थोड़ी बहुत बातचीत कर ली जाए आज। तो काम तो सीन ये है कि मैंने सारे अपने निपटा लिए, सुबह से मैं काफ़ी बिज़ी थी, पूरे हफ्ते के मैंने सारे काम जो होते हैं मेरे कपड़े वॉश करवाना, आयरन करवाना, घर के सारे काम हम सब हो गए थे, एंड नाउ आई एम फ्री। तो जब मैं फ्री होती हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी अपने ऊपर तरह तवज्जो फाइनली दे ही दूँ आज। तो फिर मैंने सोचा जब मैं कुछ अपना लिए कुछ कर रही हूँ तो मैं क्यों ना अपनी YouTube फैमिली से भी वो चीज़ शेयर करूँ, आप लोगों को भी बताऊँ कि क्या। अच्छा, हम जब जाते हैं अपने फेस पैक बनाने के लिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ गाइड ज़रूर करना चाहूँगी, स्पेशली अपनी बहनों को, अपने सिस्टर्स को, कि ये जो स्किन केयर आपके घरेलू चीज़ों से होता है ना, ये जो आपके मतलब कहना चाहिए ऑर्गेनिकली चीज़ें जो घर की होती हैं, ये 110% वर्क करती हैं, मगर बट लाजमी तौर पर इसके लिए थोड़ा सा ना आपको सब्र करना पड़ता है और इसके लिए थोड़ा सा आपको रूटीन बनानी पड़ती है। ये फौरी नहीं इसका रिज़ल्ट आता, आपको ये थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है इसके लिए, और आजकल हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमें हर चीज़ का रिज़ल्ट क्विक चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप इसको करें तो थोड़ा सा टाइम लगा के करें, थोड़ा सा करें, इंशाल्लाह आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, मेरे पास जो है ना काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की क्यूरीज आती हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, आप मुझे ज़रूर मैंने दोनों लिंक्स दिए हुए हैं, आप मुझे उस पर भी फॉलो करें। मुझे काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में क्यूरीज आती हैं कि माशाल्लाह से मेरी शादी को हो गए अराउंड कोई 15 ईयर्स, जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, वो और बात है कि मैंने बहुत ही जल्दी शादी कर ली थी, बट इसके बावजूद 15 ईयर्स के बाद मुझसे ये काफ़ी क्वेश्चन किया जाता है कि आप ऐसा क्या करती हैं कि आपकी स्किन, आपका वेट, तमाम चीज़ें बड़ी मेनटेन है। तो मैं ज़रूर ये जो वेट के बारे में, इसके बारे में भी ज़रूर पूरा एक आप लोगों के लिए बनाऊंगी पूरा इसके बारे में ब्लॉग, कि आप सब कुछ खाएं बट किस तरह खाएं कि आप अपना पोर्शन कंट्रोल करें, कि आपका वेट ना गेन हो, आपकी आप अपने आप को मेंटेन रखें। तो अभी हम बात कर रहे थे स्किन केयर की, तो स्किन केयर हम करते हैं इंशाल्लाह, चलते हैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त समय फेस पैक लेकर आई हूँ, क्योंकि जो इस वक्त कराची की गर्मी है, बारिश खुल के हो के नहीं दे रही है, बस टिप टिप चल रही है, एक दफ़ा खुल के हो जाए तो कुछ मौसम हमारा अच्छा हो जाए। तो चलते हैं हम अपने फेस पैक की तरफ, और जो भी करें, जो भी कहीं से भी कुछ मिले, कुछ अगर रूटीन में रखें तो उसको रूटीन में रखें, ये चीज़ें इंशाल्लाह 100% आपको रिज़ल्ट देंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अगर आप कंटिन्यूसली रखेंगे तो आपको रिज़ल्ट टाइमली। अच्छा, फेस पैक बनाने के लिए हमें जो चाहिए 3-4 चीज़ें, वो सबसे पहले हमें चाहिए बेसन, कम से कम 2 से 3 टेबलस्पून के बेसन है, देन फिर हमें चाहिए दही 2 टेबलस्पून भर कर दही योगर्ट, देन मिल्क 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून मिल्क, देन वी हैव सम हल्दी, हल्दी जो है वो बहुत ही बेस्ट होती है स्किन के लिए भी, खानों में डालने के लिए भी, एक चीज़ होती है एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा, एक एंटीऑक्सीडेंट जो है ना वो एक बीमारी की क्योर के लिए बेहतर होता है। अच्छा, ये विटामिन ई के कैप्सूल है, ये हम 2 डालेंगे, तो जो एक एंटीऑक्सीडेंट है वो एक बीमारी को क्योर करने के काम आता है। तो हल्दी के अंदर 100 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो हल्दी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त एक तोहफा है अल्लाह की तरफ से। और ये हमारे पास रोज़ वाटर, तो जितना हो सके हल्दी का इस्तेमाल करें, खाने पकाने में भी और फेस पे लगाने में भी। अच्छा, अब इसकी हम बनाएंगे बहुत अच्छा सा पेस्ट, बहुत अच्छी सी इसकी क्रीम, और इसकी कंसिस्टेंट बिल्कुल क्रीम की तरह स्मूथ होनी चाहिए। अगर ये आपको ऐसा लगता है थोड़ा सा ड्राई, तो आप इसके अंदर मिल्क और ऐड कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अब इसको हम ऐड करके अच्छी तरह से इसको हम करेंगे मिक्स, और फिर इसको हम रख देंगे फ्रिज में,
और फिर जब ये बहुत अच्छा सा ठंडा हो जाएगा देन इसके बाद हम अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा बहुत अच्छा सा बन गया है क्रीमी टेक्सचर के साथ फेस मास्क। इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं आपकी स्किन के लिए। विटामिन ई के 2 कैप्सूल हैं, दही है, बेसन है, हल्दी है और रोज़ वाटर है। और अब ये जा रहा है फ्रिज में, जैसे ये ठंडा हो जाता है फिर हम उसको अप्लाई करते हैं। ये जा रहा है फ्रिज में लेकिन आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, आप लोग अभी मेरे साथ यहीं रहें। इसको भी हम लगाएंगे और लगाने के बाद भी 2-4 टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, कोई भी फेस पैक लगाने से पहले लाजमी है कि आप अपने फेस की बहुत अच्छे से क्लिनजिंग करें, बहुत ही मतलब जो आपको सूट करता हो क्लिनजिंग उससे आप अच्छी तरह से एक दफ़ा या फिर डबल क्लिनजिंग लाजमी करें। देन फिर आप अच्छे से फेस वॉश जो आप यूज़ करते हैं जो आपको सूट करता है आप उस पर फेस वॉश करें, देन फिर आप उसको अप्लाई करें, तो उससे आपका रिज़ल्ट जो है ना वो और अच्छा। अच्छा, अब हम इसको करने वाले हैं अप्लाई। ये हमारा बहुत मज़े का मिक्सचर ठंडा सा बन गया है। अच्छा, इसको लगाने का जो तरीका है ना वो ये है कि पहले मैं इसको बिल्कुल थिन से अपने फेस पे लगाऊंगी और उसको फिर हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में इसको हम रब करेंगे। और जब रब करने के बाद 5 मिनट्स 2 मिनट्स 3 मिनट्स के बाद ये जो है इसकी लेयर बिल्कुल हो जाएगी थिन। उसके बाद हम इसको दोबारा से रीअप्लाई करेंगे बहुत अच्छी से थिक से लेयर, और फिर उसको हम फेस की तरह मास्क की तरह छोड़ देंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये बेसन या कोई भी इस तरह की चीज़ अगर आप लगाएं तो आप उसको कम्प्लीटली ड्राई कभी भी ना करें। कम्प्लीटली ड्राई कर लेंगे तो यहाँ और यहाँ जो ड्राइनेस की वजह से है ना आपकी फ़ाइन लाइंस बनना शुरू हो जाएंगी। तो इसको बिल्कुल हल्का मिड में, मतलब वो थोड़ा सा गीला हो, थोड़ा सा सूखा हो, थोड़ा सा ड्राई हो, थोड़ा सा माइल्ड सा हो, तो उसके बिटवीन आप अपना फेस वॉश कर लें। और वॉश करने के बाद लाजमी तौर पर किसी भी अच्छे मॉइस्चराइज़र से लाजमी तौर पर अपना फेस लगाएँ, फेस पर लगाएँ या एक अच्छा सा कोई शीट मास्क लगाएँ। तो चलें ट्राई करते हैं, अभी हम लगाएंगे हल्का हल्का सा क्योंकि इसको अभी हमें सर्कुलर मोशन में रब करना है। अच्छा, जब भी आप कुछ अपने फेस पे लगाएं तो लाजमी तौर पे अपनी नेक को कवर करें, लाजमी तौर पर। मैं भी इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि मेरी सारी चीज़ वगैरह ख़राब हो जाएगी, बट लाजमी तौर पर। उससे ये होता है कि आपकी दो चीज़ें जो है ना वो डबल जुड़नी होती। अच्छा, अब हम इसको राउंड, सिर्फ अपने 2 या 3 फिंगर से इसको राउंडली सर्कुलर मोशन में इसको हम इस तरह से कवर करेंगे और बस 3-4 मिनट के बाद ये सब हो जाएगा ड्राई। और जैसे ये ड्राई होना शुरू हो, इसकी जो लेयर है वो और थिन होना शुरू हो जाए, फिर हम इसको एक मज़ीद एक मोटी सी लेयर लगाएंगे उसके ऊपर गाढ़ा गाढ़ा सा, और फिर उसको हम छोड़ देंगे अराउंड को 10-15 मिनट्स और फिर उसको वॉश करेंगे। वो होता है इसको एक्चुअली लगाने का तरीका। चलें, तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह फिर 10 मिनट्स के बाद। जी, तो आफ्टर आई वॉश द फेस आई सी द विजिबल डिफरेंस। हो सकता है कैमरे में आपको नज़र ना आ रहा हो लेकिन मुझे ख़ुद से मतलब बहुत ही अपना फेस जो है वो क्लियर और क्लीन लग रहा है। तो और वैसे भी इस तरह की जो चीज़ों का रिज़ल्ट है ना वो एक दफ़ा में नहीं आता। आप इसको रिलीजियसली यूज़ करें 2x in a week या at least once in a week, आपको इंशाल्लाह इसका डिफरेंस ज़रूर ज़रूर मिलेगा। अच्छा, इसके बाद लाजमी तौर पर कोई भी सीरम आप लगाएं, मेरे पास ये है गार्नियर का, मैं ये अप्लाई करूँगी लाजमी तौर पर। मुझे इसके 2 पम्प्स अप्लाई करने हैं ताकि जितनी भी मेरे फेस पे ड्राइनेस इस वक्त हो रही है वो सब क्लियर हो जाए। अच्छा, एक टिप मैं जाते जाते और ज़रूर बताऊंगी कि जो भी मेरी सिस्टर्स मुझे देख रही हैं, जो भी मेरी बहनें जिनकी शादी होने वाली है, जो ब्राइड टू बी हैं 3-4 मंथ्स में उनकी शादी होने वाली है, उनके लिए एक मेडिकल टिप है मेरे पास कि आप फेस वॉश वगैरह को छोड़कर जब भी आप अपना फेस वॉश करें ना, आप एक बॉटल के अंदर बेसन, उसके अंदर हल्दी, ये मिला कर ना आप किसी भी एक छोटे से बॉक्स में रख लीजिए। और जब भी आपको अपना फेस वॉश करना हो आप थोड़ा सा उसमें से निकालें, कुछ भी ना करें, निकालें, पानी मिलाएं और उसको फेस वॉश की तरह रगड़ कर उसको आप वॉश कर लें। आप बिलीव करेंगे, एक मेडिकल टिप है जो मैंने आपको दी है, आप इसको करें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट खुद ही आपको फील होगा। मैं बहुत पर्सनली यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फेस मास्क।
तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आप मुझे कमेंट करें कि आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं, क्या आपको मेरे चैनल पे क्या आप मज़ीद और कुछ मुझसे क्या चाहते हैं, और डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई शेयर चैनल। ख्याल रखिएगा अपना, जब तक मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह।